केदारनाथ, महादेव का धाम सदियों से हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा है। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के संगम पर केदार घाटी में स्थित यह प्राचीन मंदिर 2500 वर्षों के इतिहास के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहते हैं इस जगह पर शिव के नाम का उच्चारण मात्र करने से आत्मा अंतर्मुक्त होती है। सदियों से इस स्थल पर होती साधना व शिवलिंग की लौकिक ऊर्जा इस धाम को विशेष बनाती है। परंतु जैसे जैसे इंसानों का भौतिक प्रभाव बढ़ता गया, इसकी गरिमा विवर्ण होती गई है। जून 2013 में आई विनाशक बाढ़ ने केदारनाथ का दृश्य बदल दिया। हजारों लोगों की मृत्यु हुई और लगभग सभी इमारतें ढह गईं। पानी के प्रभाव से केदारनाथ ग्राम के क्षेत्रफल में भी बदलाव आया। 21 एकड़ में फैला यह कस्बा अब 13 एकड़ में सिमट गया। यह दृश्य 19वीं सदी का है, जब मंदिर का गरिमामयी रूप दूर से ही दर्शित होता था। उसके पीछे की ऊंची बर्फीली पहाड़ियां दृश्य की भव्यता को और बढ़ाती थीं। फिर धीरे धीरे इसके चारों ओर मकान बन गए और मंदिर मानो कहीं छिप गया। आज बाढ़ के बाद मंदिर का नवसर्जन हुआ है और इसी के साथ हमें एक अवसर मिला है उस खोई हुई गरिमा की पुनः संरचना करने का। केदारनाथ घाटी प्राकृतिक प्रमाणों पर संवेदनशील है और विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ प्राकृतिक आपदाओं का संकट निरंतर है, इसलिए केदारनाथ का पुनर्विकास नियंत्रित अत्यंत आवश्यक है। साथ ही पुनर्विकास कार्य मंदिर और उससे संबंधित गतिविधियों के अनुरूप भी होना चाहिए। नमो नमो शंकरा।